हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो गुलदाउदी खिलने लगे हैं धीरे धीरे। अब तो काफ़ी सारे कलर हैं मेरे पास। तो ये देखिए, एक ये कलर है और वाइट में ये है एक, और यहाँ पे ये दो हैं ही कलर, वाइट और पर्पल में। तो आज मैं करने वाली हूँ मेरे सकुलेंट प्लांट्स जो मुझे मिले हैं एक्सचेंज में, और फ्री के ही प्लांट और फ्री के पॉट, उनमें मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। मेरे पास वेस्ट बहुत सारा पड़ा हुआ था, तो बस उन्हीं में मैं उनको रिपोर्ट करूँगी। तो सकुलेंट प्लांट की मिट्टी मैंने कैसे तैयार की वो सब भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारे प्लांट हैं जो मुझे मिले हैं। तो इनकी मैं अगले दिन रिपोर्टिंग मैंने की, एक रात और पूरे दिन मैंने छोड़ दिया था इनको, और जो है कि ये इनको रिपोर्ट करूँगी मैं। अब वैसे तो ये कटिंग, अगर कुछ कटिंग्स भी हैं कुछ जड़ों के साथ हैं, जैसे ये देखिए इसमें जड़ें हैं, तो जो कटिंग से हम प्लांट लगाते हैं सकुलेंट, उनको एक दिन के लिए हमें छोड़ना चाहिए, शेड में रख देना चाहिए, छाया में। तो ऐसी जगह पे हमें रख देना चाहिए, और इनका जो मॉइस्चर होता है थोड़ा वो ख़त्म हो जाता है, तो ये जो है सक्सेस हो जाते हैं लगने में, कटिंग लगने में। और जड़ों के साथ हैं उनको तो निकालते हैं आप, लगा सकते हैं जैसे ये है, तो कटिंग हमें थोड़ा रखनी चाहिए। तो ये देखिए स्टिंग ऑफ पल्स, मतलब बनाना, ये देखिए। और मैंने फ्यूसिया प्लांट तो देखिए मैंने जो है ना रिपोर्ट कर दिया था लाते ही, तो ये देखिए इसकी कंडीशन ऐसी है, काफ़ी अच्छे से ये लग गया है। और एक यहाँ पर दो पॉट में मैंने ये शिफ्ट किया है, तो खिल गया है बिल्कुल ये। तो इस तरह से ये सक्सेस है मेरा। और कुछ मुझे कोलियस की भी कटिंग मिली थी साथ में, तो ये देखें ये कोलियस है, ये अभी थोड़ा मुरझाया हुआ है, मतलब एक ही दिन हुआ है इनको लगाया। और यहाँ पे देखिए, ये शायद एक कोलियस नहीं है, ये दूसरे प्लांट है, पर मैंने इसके साथ ही लगा दिया। अब इसको मैं जब ये थोड़ा इस चल जाएगा ना, तो इसको मैं दूसरे पॉट में लगा दूँगी। तो ये देखिए इसकी कंडीशन अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी मिट्टी जो है पहले से तैयार कर रखी थी, मतलब 10 से 15 दिन हो गए इसकी मिट्टी को तैयार किए हैं। तो इसमें मैंने जो है मिट्टी ली है, और रिवर सैंड की मात्रा थोड़ी मैंने ज़्यादा रखी है, आप जो है 30% मिट्टी ले लीजिए, और इसमें 20% मैंने जो है कोकोपीट डाला है, और इसमें 40% मैंने जो है रेत डाली है, मतलब रिवर सैंड डाला है, आपके पास रिवर सैंड हो। और थोड़ा सा मैंने जो कैल्शियम के लिए इसमें स्टोन डस्ट और एग के छिलके वो सब डाले हैं। और इस तरह से देखिए, ये कुछ हमारे दिवाली के दिए जो थे वो मैंने क्रश करके डाल लिए इसमें। और देखिए चारकोल के पीस भी मैंने जो है राख के साथ इसमें डाला है, राख जो है ना इसमें फंजीसाइड का काम करेगा, और उसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे सकुलेंट प्लांट के लिए, मिट्टी भी जो है हल्की बनती है। तो इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तैयार कर ली है। तो मैंने कुछ प्लांट मैंने रिपोर्ट भी कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तो बहुत सारे पॉट मेरे पास फ्री के ही, ये देखिए वेस्ट मटेरियल जिसको कह सकते हैं, दही के डब्बे आधा लीटर के, तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे हैं। देखिए इनमें ना कोई पेंट करने की ज़रूरत है, वाइट बिल्कुल प्लेन, तो इनमें ही मैं लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए, इनमें मैंने होल कर लिए थे, होल करने के बाद ये जो है दीपक के टुकड़े जो हैं वो मैंने क्रश करके, मतलब कि इस तरह से होल पे, होल को कवर करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, उस पर कवर कर दिया होल को। और ये देखिए, इसके बाद मैंने थर्माकोल के कुछ पीसेस डाले हैं, तो ये देखिए इस तरह से मैंने क्रश करके डाले हैं इसमें। और इसके बाद जो मैंने ये मिट्टी थोड़ी मैंने अलग बनाई है दिए के टुकड़ों की, और मिट्टी और सैंड इसमें था, तो इनके ऊपर जो है ना मैं यही डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैंने जो मिट्टी बनाई है उसको डालूँगी। तो सभी में मैंने इसी तरह से ये मिट्टी डाली है पहले, तो इससे क्या है कि ये दिए के टुकड़े हैं ना मिट्टी में जब रहेंगे, मतलब कि होल के ऊपर जब रहेंगे, तो ये थोड़ा ड्रेनेज इनका अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने इनको तैयार किया फ्री के पॉट, ये देखिए आप यहाँ पे, तो उनको मैं लगाने वाली हूँ अब। तो बहुत सारे पॉट हैं ये मेरे पास, तो सभी प्लांट को मैं अभी छोटे पॉट में ही लगाऊंगी, उसके बाद इनको बड़ा पॉट दूंगी, जैसे जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किस प्लांट को कितना बड़ा पॉट चाहिए, कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके हिसाब से फिर मैं इनको बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर दूँगी। जिन्हें छोटे की पॉट की ज़रूरत है उन्हें छोटे में रखूँगी। तो इस तरह से मैंने जो है इनकी मिट्टी तैयार करके मैं इनको रिपोर्ट करूँगी। और तो ये देखिए बहुत सारे मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मिट्टी मैंने फिल करी है, तो इसमें गोबर की खाद ही मैंने डाली है, तो आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, और थोड़ा सा मैंने इसमें किचन वेस्ट भी डाला है, मतलब आधा गोबर का, आधे से ज़्यादा गोबर खाद जैसे, और किचन वेस्ट कुछ मात्रा में। तो मैंने इसलिए 10 से 15 दिन पहले ही मैंने इसको बना के तैयार कर दिया, और देखिए मैंने एक बोरे में भर के रख दिया। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए इस तरह के छोटे छोटे प्लांट भी निकलने लगे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। जब प्लांट ग्रो होने लग जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी अच्छी तैयार है। और एक बोरे में भर के रख दिया, और उसको थोड़ा पानी डाल के मैंने रख दिया, ताकि कोई भी जो मैंने किचन वेस्ट वगैरह बनाया है ना, डाला है, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर कमी होगी तो वो बनके रेडी हो जाएगा 10 से 15 दिन में, अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले से इसकी मिट्टी तैयार करके रख दी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है सरसों की खली भी डाली पाउडर फॉर्म में। तो इस वजह से क्या है कि वो बहुत ही अच्छे से सारा मिक्सअप होकर बहुत सारा अपना असर मिट्टी में छोड़ दिया है खाद ने, जो भी मैंने इसमें खाद डाला है उसका, प्लांट हमारे बहुत अच्छे से तैयार होंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे, मतलब अब इसमें जो है। तो यहाँ पर देखिए, ये है एक क्रेसुला शर्मेंडोसा, इसको बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता, शर्मेंडोसा तो मुझे नाम याद है, लेकिन क्रेसुला शायद इसमें है कि नहीं। तो इसकी भी कटिंग है, कुछ जड़ों के साथ हैं, कुछ कटिंग है, सभी जो है बस हल्का सा हमें मिट्टी को डालने के बाद दबाना नहीं है,
तो प्लांट लगाने के बाद हमको मिट्टी दबानी है। जैसे ये कटिंग हम चट से अंदर चले जाते हैं, अगर मिट्टी को हम दबा देंगे ना तो थोड़ी हार्ड सी हो जाएगी कटिंग हमारी, बिना होल किए जाएंगी नहीं अंदर, तो हमें पहले मिट्टी को नहीं दबाना है, प्लांट लगाने के बाद मिट्टी हमें दबानी है। तो इस तरह से जब फ्री के प्लांट मिलते हैं, एक्सचेंज वाले प्लांट हैं ये मेरे पास, तो आपको भी अगर एक्सचेंज करने हैं मेरे से प्लांट तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, मेरा इंस्टा आईडी मैं आपको दे दूँगी, और जिनसे मैंने ये एक्सचेंज किए हैं उनके गार्डन का नाम आराध्या गार्डन टिप्स, वो भी गार्डनिंग चैनल है उनका भी, वो भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालती रहती हैं अपने चैनल पे, तो उनको भी आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उनका भी आराध्या गार्डन के नाम से इंस्टा आईडी है, तो उनको भी आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है अगर आपको प्लांट्स चाहिए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से, और यहाँ पे देखिए ये बिगोनिया, तो बिगोनिया की काफ़ी सारी वैरायटियाँ उन्होंने मुझे दी हैं। देखिए एक ये अलग है और ये अलग है, और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे विंटर में आता है ना यहाँ पे ग्रीन और रेड से कलर का, वो है ये तो फ्लावरिंग वाला, तो ये भी कटिंग मुझे उन्होंने दी है बिगोनिया की। तो लगा लिए हैं कुछ प्लांट मैंने, तो अभी लगा के मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिए हैं कुछ प्लांट, और कुछ अभी रह रहे हैं, अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इनको भी लगाने में, मतलब आधे से ज़्यादा मेरे प्लांट लग गए हैं, अब कुछ वैरायटियाँ रह रही हैं, अभी इनको भी मैं लगा दूँगी। इसी तरह से मिट्टी है सबकी, एक जैसी मिट्टी मैंने बनाई है, अलग अलग किसी की नहीं है, तो ज़्यादातर ये सारे सैकुलेंट ही प्लांट हैं मेरे, तो सबकी मिट्टी एक जैसी है। तो अब इनको ना मैं पानी दे दूँगी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि इसकी मिट्टी जो है ना मॉइस्ट है, अगर सूखी मिट्टी है तो आप पानी इस तरह से दें, एक बार में अच्छे से पानी दे दें, नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाए, इस तरह से पानी दें, बहुत ज़्यादा भी ना निकले, तो इस तरह से आप पानी दें और इसको थोड़े शेड में रख दें, जहाँ मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है भी नहीं, विंटर का ही टाइम है, तो सुबह की एक दो घंटे की धूप इसको मिल जाए ऐसी जगह रखें, फिर इसमें ग्रोथ अगर आपको अच्छे से दिखने लगे तब आप इसको जो है आप धूप में रख सकते हैं पूरे दिन की धूप में, क्योंकि धूप में ही ये ग्रोथ करेंगे, पूरे दिन की धूप में ही, तो विंटर में तो धूप में रखना है, और जैसे गर्मी आने लगे इसको शेड में रख देना है, और गर्मी से भी हमें बचाना है क्योंकि गर्मी में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है सैकुलेंट की। अब देखते हैं कौन कौन से प्लांट मेरे पास गर्मी में बचते हैं, कौन कौन से ख़त्म होते हैं, तो इसी तरह से आप भी रिपोर्टिंग कर लीजिए अगर आपके पास सैकुलेंट प्लांट हैं। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।